हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग सब बहुत मस्त और मजेदार होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आप पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का एक ग्राहक है तो अपने मोबाइल पर पीएनबी मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर अपने मोबाइल पर पीएनबी मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर लेंगे तो अपने अकाउंट को अपने मोबाइल पर ही हैंडल कर सकती है। जैसे कि ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करना, किसी को पैसा ट्रांसफर करना, मोबाइल रिचार्ज करना, केवाईसी स्टेटस चेक करना, सभी अपने मोबाइल पर ही कर सकती है। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पीएनबी मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पीएनबी मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से पीएनबी वन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। देन उसके बाद सिंपली ओपन कर लीजिए। पहली बार एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए दोस्तों कुछ परमिशन मांगेंगे, तो आप सिंपली इसको अलाउ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आप ये प्रोसीड टू लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड टू लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर आप पहले से पीएनबी मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करके रखा है तो यहाँ पे अपनी यूजर आईडी एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ये न्यू यूजर ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। न्यू यूजर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप तीन तरीके से मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकती है, एक डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड से, दो विदाउट डेबिट कार्ड से और तीन आधार कार्ड से। तो फुल मोबाइल बैंकिंग को यूज करने के लिए आप ये रजिस्ट्रेशन विथ डेबिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप विदाउट डेबिट कार्ड या आधार कार्ड से मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकती है। रजिस्ट्रेशन विद डेबिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करने का कुछ प्रोसेस दिखाएंगे, तो आप ये ओके ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फुल मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर एंटर कीजिए। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद नीचे एक कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे कुछ सेकंड प्रोसेसिंग लेंगे। प्रोसेसिंग लेने के बाद अपने अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट एक ओटीपी आएंगे, तो उस ओटीपी को सिंपल यहाँ पे आप इंटर कर दीजिए। ओटीपी इंटर करने के बाद फिर से यहाँ पे कुछ सेकंड प्रोसेसिंग लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड का डिटेल्स फिल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका 16 डिजिट डेबिट कार्ड नंबर इंटर कीजिए। और यहाँ पे डेबिट कार्ड का 4 डिजिट पिन नंबर इंटर कीजिए। डेबिट कार्ड डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे इस सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपका एक 4 डिजिट टी पिन क्रिएट करना होगा, और यही टी पिन होगा अपनी मोबाइल बैंकिंग का ट्रांजेक्शन पासवर्ड। इसी पासवर्ड की मदद से अपनी मोबाइल बैंकिंग में सारी ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक 4 डिजिट टी पिन क्रिएट कर लेता हूं। उसके बाद कंफर्म करने के लिए सेम पिन दोबारा यहां पे इंटर कर दीजिए। टी पिन इंटर करने के बाद गाइस, फिर से नीचे इस सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहां पे फिर से कुछ सेकंड प्रोसेसिंग लेंगे। प्रोसेसिंग लेने के बाद अपनी मोबाइल बैंकिंग अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे, और यहां पे अपनी मोबाइल बैंकिंग का एक यूजर आईडी भी जनरेट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद अपनी मोबाइल बैंकिंग में एक एम पिन क्रिएट करना होगा, जिस पिन के द्वारा आप मोबाइल बैंकिंग को लॉगिन कर पाएंगे। टी पिन के द्वारा अपनी मोबाइल बैंकिंग में ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, और एम पिन के द्वारा अपनी मोबाइल बैंकिंग को लॉगिन कर पाएंगे। तो एम पिन क्रिएट करने के लिए आप नीचे इस साइन इन ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देंगे अपनी मोबाइल बैंकिंग का होम मेनू पर। ओके, तो आप ये प्रोसीड टू लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका जो यूजर आईडी जनरेट हुआ है वो यूजर आईडी सिंपल यहाँ पे इंटर कर दीजिए। यूजर आईडी इंटर करने के बाद आप ये साइन इन ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस, अगर आपने मोबाइल पर 2 सिम कार्ड इंसर्ट करके रखा है तो यहाँ पे आप उस सिम कार्ड को सिलेक्ट कीजिए जो सिम कार्ड अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। उसके बाद नीचे एक कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस, फिर से अपनी मोबाइल पर 6 डिजिट एक ओटीपी आएंगी, तो उस ओटीपी को सिंपल यहां पे इंटर करके नीचे एक कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक
कर दीजिए। OTP इंटर करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे एम पिन क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पे 4-digit एम पिन क्रिएट कर लीजिए। दोस्तों याद रखना एम पिन और टी पिन सेम नहीं होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, ओके। उसके बाद कंफर्म करने के लिए सेम एम पिन दोबारा यहाँ पे इंटर कर दीजिए। एम पिन क्रिएट करने के बाद नीचे इस सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस अपनी मोबाइल बैंकिंग का एम पिन भी सक्सेसफुल तरीके से क्रिएट हो जाएंगे और अपनी मोबाइल बैंकिंग भी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद अपनी मोबाइल बैंकिंग को लॉगिन करने के लिए नीचे इस साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आप जो 4-digit एम पिन क्रिएट किया है वो एम पिन सिंपली यहाँ पे इंटर करके लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे जो एम पिन क्रिएट किया है वो एम पिन यहाँ पे इंटर करके मेरा मोबाइल बैंकिंग को लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आपका मोबाइल बैंकिंग पूरी तरह से ओपन हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपका बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिलेंगी, जैसे कि पैसा ट्रांसफर करने के लिए फंड ट्रांसफर, UPI, अप्रूव टू पे, बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे पैसा ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद ऊपर में 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम शो करेंगे। नीचे में माई प्रोफाइल में आपको अकाउंट का प्रोफाइल स्टेटस चेक कर सकती है। उसके अलावा माई ट्रांजेक्शन पर अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक कर सकती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप बहुत ही आसान से अपने मोबाइल पर PNB प्लस मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकती है। दोस्तों अगर इस बारे में अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो का एक नया इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।